Now I'm heading to my hostel, which is in Rohtak, Haryana. So I saw Tata bike, yeah. Then I reached metro by rickshaw. 20 rupees liye isne bas. मतलब ये ज़्यादा है वैसे ठीक है, पूरी जर्नी के लिए ज़्यादा है. फिर मैंने सबवे क्रॉस किया, विच इज़ इन बॉर्डर मदरपुर बॉर्डर में सबवे क्रॉस किया. यहाँ पे एक आंटी बैठी थी, जनरली मैंने उनको बहुत बार दी है चीज़ें. एक बार एप्पल दिया था, फिर बहुत बार दिया कुछ ना कुछ. फिर हम हेडिंग टू द मेट्रो. ये मतलब कि ये बदरपुर बॉर्डर एक ऐसा है जहाँ पे प्रॉपर एक ट्रेन आके टर्मिनेट होती है, विच इज़ वेरी मच हेल्पफुल. ये सीट में मिल जाती है, आप बैठ के जा सकते हो, ठीक है. एंड मैं यहाँ पे शूट कर रही थी, गलती हो गई थी, लेकिन सामने पीछे अंकल देखे थे मेरे को, आई वाज लिटिल बिट शाय, बट कोई दिक्कत नहीं. फिर हम यहाँ पे वेट कर रही थी, मेरे को वेट करना पड़ा 2-3 मिनट के लिए. सबसे पहले ये जो है लाइन जो है वो वॉयलेट है, एंड वॉयलेट से मैं हेड टवर्ड्स द पिंक लाइन, विच जो लास्ट पर चलूँगी मैं, उसके बाद पिंक से ग्रीन में जाऊँगी. अभी बस मेट्रो का वेट चल रहा है और स्वच्छ भारत. नेक्स्ट मैंने अंकल का शूट नहीं किया है, मैंने यहाँ पे तो बस बदरपुर बॉर्डर लिखा और मेट्रो बस वो देखा. नेक्स्ट फिर मैं बैठी, ट्रेन आ चुकी थी और सामने बताया हुआ यहाँ पे, मतलब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे थे उनको लगता था कि मैं उनको शूट कर रही हूँ, बल्कि नहीं मैं उनको शूट नहीं कर रही थी, हम टेकिंग द कॉन्टेंट. अब ये यहाँ पे कम से कम 10 से 12 स्टेशन, जब नहीं यहाँ पे तो मेरे को RT स्टेशन पार करना है. फिर मैं लाजपत पहुँच चुकी थी, एंड लाजपत में मुझे क्रॉस करना था. ये कुछ एक मतलब 500 मीटर का स्ट्रेच है जहाँ पे जाना पड़ता है. देन आई एम राइट नाउ, और ये भी बिल्कुल अंडरग्राउंड है, तो वो पिंक लाइन का इज़ द फास्टेस्ट ट्रेन, रेलवे मेट्रो ट्रेन इन द पूरे दिल्ली में, मतलब बहुत तेज चलती है, क्योंकि इसके स्टॉपेज जो है वो दूर दूर है इसीलिए. फिर यहाँ से नीचे और काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि था हमारा 2nd October, द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है. फिर आ चुकी थी फिर, लेकिन दिक्कत यहाँ पर ये हो गई कि ट्रेन थी लेट और वो बीच बीच में रुक जा रही थी, पता नहीं कैसे, तो थोड़ा सा मेरे को डिले हुआ है 5-10 मिनट का यहाँ पे. फिर ये हो गया था मेरा, मतलब हम मैं पहुँच गई थी पिंक लाइन से, मैं उतर के अब ग्रीन लाइन की तरफ जा रही हूँ. एंड यहाँ पे मैं उतरी थी पंजाबी बाग ग्रीन लाइन में. एंड अब ये है ग्रीन लाइन की मेट्रो स्टेशन, विच इज़ पंजाबी बाग मेट्रो स्टेशन. यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा ऑसम है, ये पूरा स्ट्रेच है, विच इज़ 11-12 अराउंड स्टेशन को क्रॉस करने थे, और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है. और मैं निकली थी अराउंड 3:30 बजे और पहुँची थी 7 o'clock. क्यों? क्योंकि वहाँ से रिक्शा, फिर वापस से भी रिक्शा ले रही थी इसीलिए. फिर मेरे को बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, मतलब आई एम फीलिंग वेरी डेजी, लेजी एंड डेजी सो मच. और बिल्कुल लेडीज़ कोच पे बैठी थी, पूरी जगह मिली थी मेरे को, कहीं पर मैं खड़े होकर नहीं गई. और दोपहर का मौसम था और मौसम बहुत सुहाना था, मतलब कोई दिक्कत नहीं हुई. ऐसा होता है कि बारिश हो गई या फिर बहुत धूप है, ऐसा कुछ भी नहीं था. और मेट में गई थी मैं, और यहाँ से मुझे बाहर का व्यू मतलब बहुत अच्छा लगता है, मेट्रो से बाहर देखना मतलब बहुत अच्छा. फिर और यहाँ से सामने एक आंटी बैठी हुई थी, ये मैंने लास्ट के 2 बजे थे, मतलब आई एम इन टिकरी बॉर्डर अराउंड में थी, और आखिरी के 2 यार, मतलब ये बोला था बस अब ख़त्म हो. अब ये है जहाँ पे ये जो सनसेट, यहाँ से भाई सनसेट बहुत सही दिखता है, मतलब कि ऑसम दिखता है. एंड हम जस्ट सन ब्रीद कर रही थी. फिर एट लास्ट मैंने बस लेनी थी मेरे को, मैं फटाफट उतरी है, हेड टवर्ड थी बस. बस जो है वो रोहतक से, मतलब हम यहाँ से ये मैं उतरी हूँ, वो अपना बहादुरगढ़ सिटी जो है वहाँ पे बस मिलती है. और ये बस ने मेरे को लिया 55 रुपीज़ एंड पहुँच गई. और यहाँ पे गणेश जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, मतलब कि लिटिल इट इज़ ऑसम. ये जैसे कि यहाँ से मैं निकली तो मुझे ये मिलता है, मतलब कि आई एम स्टार्टिंग अ वेरी न्यू जर्नी. और गणपति बप्पा मोहरिया, यार मज़ा आ रहा था उसको देख के. इसके बाद जो रास्ता था उसमें देखो 6-6 बज गए थे, एंड हम सब आके तो 5-6 हो रहे हैं, और तब भी मैं अभी तक नहीं पहुँची हूँ, मतलब अब तक मुझे पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन डेले की वजह से थोड़ा डेले हो गया. अब यहाँ पे जो मतलब कि यहाँ के जो रोडवेज है वो बढ़िया है, बस दिक्कत है थोड़ा पोल्यूशन है. पोल्यूशन इन सेंस कि आसपास फैक्ट्री है तो हाईवे तो सही है, लेकिन फैक्ट्री की वजह से यहाँ पे हो जाता है पोल्यूशन. थोड़ा बहुत उतना नहीं, लेकिन
ठीक है दिल्ली से तो कम ही है। ठीक है फिर मैं यहाँ पे अब ये चीज़ दिखाऊंगी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि बाबा मस्तनाथ, नाम सुन रहे तो मस्तनाथ, बाबा मस्तनाथ के नाम पे यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी और BME हुई है, बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी। सामने जाएंगे तो हमको देखने को मिलेगा एक वो इनकी मूर्ति भी है। ठीक है और जैसे मैं यहाँ पे रोहतक में एंटर, यहाँ पे लिखा हुआ है आपका स्वागत है रोहतक में, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है, मतलब वेरी कूल सिटी, मतलब ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब इट इज़ लाइक अ वेरी मॉडर्न सिटी बट बिल्कुल ही डेलिकेसी से बना रखा है, मतलब तुमको मतलब पोल्यूशन के दिल्ली में बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लेकिन यहाँ पे मतलब यहाँ के लोगों के हिसाब से जितनी एम्यूनिटीज़ होनी चाहिए वो बिल्कुल फुलफिलमेंट है, मतलब किसी की कमी नहीं है, मतलब हर चीज़ आपको ढूंढोगे तो मिल जाएगी। और ये बाबा मस्तनाथ का यूनिवर्सिटी था और यहाँ पे एक मंदिर खुल रहा है, एक इंडस्ट्री में आई थिंक ये है कि यहाँ पे कोई भी मुस्लिम के लिए कुछ भी नहीं है, मतलब कोई मॉस्क नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुस्लिम के लिए यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है नॉनवेज भी बहुत दूर दूर मिलता है, और ये बाबा मस्तनाथ जी की चेयर, ये अपने टाइम पे बहुत ही बड़े बाबा आगे हुए थे जो इनके यहाँ के ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा काम करा है इन्होंने। एंड ये था हमारा वरदान होटल, मतलब इट इज़ लाइक रिजॉर्ट ओवर हियर, बहुत ही खूबसूरत है ये जगह। देन मैंने रिक्शा ली फटाफट और रिक्शा मेरे को डायरेक्टली बिल्कुल अपने हॉस्टल में छोड़ दिया, विच इज़ BHMS गर्ल्स हॉस्टल यमुना हॉस्टल। ठीक है फिर यहाँ से मैं गई अपने रूम के अंदर, विच इज़ दिस इज़ माई रूम, मतलब मैंने लॉक अनलॉक कर लेता हर चीज़, मैं कभी कुछ शूट करना आखिरी वीडियो में शूट कर लिया। ये मेरा कूलर है, मेरा बैग है और जितने भी पढ़ाई स्टडीज टेबल और ये मेरी सीरियल्स में करके गए वो सब खूबसूरती वगैरह जो है। और उसके बाद ये मेरा कबर्ड, ये वाइट कोट, मतलब थोड़ा मैसी हो रहा है लेकिन ठीक है। और अभी अभी आई थी मैम तो मैं इतना ही ठीक कर पाई।